कोरबा में चोरी की घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं। तरी थाना क्षेत्र में संचालित पावर सिटी कॉलोनी के एक सूने मकान में धावा बोलकर अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। कोरबा में चोरी की घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं। दरी थाना क्षेत्र में संचालित पावर सिटी कॉलोनी के एक सूने मकान में धावा बोलकर अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। परिवार के लोग जब वापस लौटे तब उन्हें चोरी की बात पता चली। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। कोरबा के दरी थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई। पावर सिटी कॉलोनी स्थित एक मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 2 लाख रुपए नकदी रकम और जेवरातों की चोरी कर ली। कॉलोनी में कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी जिस तरह से चोरी की वारदात हुई है उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मकान मालिक अमितेश राठौड़ की तबीयत होने पर परिवार के सभी लोग उनका उपचार कराने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। घर वापस लौटने पर चोरी की बात पता चली। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। चोरों का पता लगाने सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। अमितेश राठौड़ जी कल शाम को 7 बजे यहाँ पे आए थे, अपने घर पे आए थे, ताला लगा कर निकल गए थे और उसके बाद रात में वारदात हुआ है। रात में कितने बजे का वारदात है अज्ञात है। हालांकि हमारे पानी ऑपरेटर गेट पे गार्ड रहता है, घूमते रहते हैं, मगर किस टाइम हुआ क्या वारदात, किस टाइम कैसे किया वारदात इसकी कोई जानकारी नहीं है। मगर आज तक तो हुआ नहीं 7 सालों में इस टाइप की घटना, जिस हिसाब से घटना हुआ है। ये घर किनका है तो सर? ये घर है नाथूलाल यादव जी का, CSB में ऑपरेटर थे। तो अभी कौन रहा था उस घर? इस घर में अमितेश राठौड़ जी रह रहे हैं। किराए पे। अच्छा, उनके घर चोरी हुई। कितनी की चोरी हुई कुछ जानकारी है सर? सर 1.5 लाख कैश था, अबाउट 30 तोला सोन ज्वेलर्स वगैरह थे। सर ये कंटिन्यू यहाँ चोरी हो रही है, क्या कारण हो सकता है? सर इसका ये है कि हमारे तरफ से तो सुरक्षा और राउंडिंग में तो कमी नहीं है, बशर्ते कि कोई ना कोई यहाँ पे ऐसे जैसे रेकी कर रहे हैं या तो लोग कोई अज्ञात कोई गिरोह है सर, जो इस टाइप का हमारा बाउंड्री वाले को भी कुछ सेव करना पड़ेगा और मेन गेट पे तो रहता है, पर कुछ CCTV कैमरा भी हमको लगाने हैं सुरक्षा की दृष्टि से।